पेलियोंटोलॉजी के फील्ड में एक बहुत ही शानदार खोज हुआ है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नया विशालकाय थेरोपॉड टायरानोसॉरस मैक्रेंसिस के बारे में। अभी तक टायरानोसॉरस जीनस का सिर्फ एक ही प्रजाति या स्पीशीज था, टायरानोसॉरस रेक्स। लेकिन अब टायरानोसॉरस का एक नया प्रजाति का खोज किया गया है। जी नहीं, मैं उस टीरेक्स को तीन स्पीशीज में बांटने वाला रिसर्च पेपर की बात नहीं कर रहा हूं। वो तो काफी कंट्रोवर्शियल था और उसके ऊपर मैंने पिछले एक वीडियो में बात भी किया है, और उन तीन स्पीशीज को ज्यादा कोई एक्सेप्ट भी नहीं किया, उसे गलत बता के नया पेपर भी पब्लिश हुआ था। खैर, वो बात जाने देते हैं। मगर अब एक नया टायरानोसॉरस का प्रजाति को ऑफिशियली डिस्क्राइब किया गया है, जिसका नाम दिया गया है टायरानोसॉरस मैक्रेंसिस, जो क्रिटेशियस पीरियड में नॉर्थ अमेरिका के दक्षिण हिस्से में रहता था। टी मैक्रेंसिस के फॉसिल्स न्यू मेक्सिको के हॉल लेक फॉर्मेशन से पाए गए हैं, और इस इलाके के पत्थर करीब 7.3 करोड़ साल पुराने हैं। यानी कि ये डायनासोर टी रेक्स के करीब 50 से 70 लाख साल पहले पृथ्वी पर रहता था। टी मैक्रेंसिस के जो फॉसिल्स है उनमें सिर्फ एक निचला जबड़ा का हड्डी है, जिसे डेंटरी कहा जाता है, और खोपड़ी के कुछ और हड्डियां भी है। सुनने में ये मटेरियल बहुत ही कम लगता है, लेकिन पेलियोंटोलॉजिस्ट्स ने इस नए डायनासोर के उन एक एक हड्डियों को टीरेक्स के उन्हीं हड्डियों के साथ कंपेयर किए, और उन्होंने देखे कि दोनों के हड्डियों में कई सारे डिफरेंसेस है। खासकर वो जो डेंटरी नाम का हड्डी है वो टीरेक्स के तुलना में ज़्यादा लंबा और पीछे वाले हिस्से में कम कर्व्ड है। रिसर्च के अनुसार खोपड़ी का हर एक हड्डी कुछ ना कुछ तरह से एक टीरेक्स के उन्हीं हड्डियों से अलग है, तो इसीलिए ये फॉसिल शायद कोई अलग प्रजाति का ही है। तो अब देखते हैं कि ये नया डायनासोर जो कि टीरेक्स का ही करीबी रिश्तेदार है, वो टीरेक्स के एवोल्यूशन के बारे में क्या बता सकता है। मैंने पहले ही बताया कि टायरानोसॉरस मैक्रेंसिस टीरेक्स के 50 से 70 लाख साल पहले पृथ्वी पर रहता था, मगर ये रिसर्च पेपर ये नहीं कहता कि टी मैक्रेंसिस टीरेक्स का पूर्वज है, बल्कि उसे एक सिस्टर टैक्सन कंसिडर किया गया है। मतलब टीरेक्स का जो डायरेक्ट पूर्वज था उसके साथ ही एक ही समय में ये टी मैक्रेंसिस रहता था। मतलब उस समय नॉर्थ अमेरिका में दो प्रजाति के बड़े टायरानोसॉरस हुआ करते थे, एक टी मैक्रेंसिस और एक टीरेक्स का डायरेक्ट पूर्वज। अब उस समय का थोड़ा ज्योग्राफी समझते हैं। उस समय नॉर्थ अमेरिका आज जैसा नहीं था। क्रिटेशियस पीरियड में नॉर्थ अमेरिका के बीचों बीच एक समुंदर था, जिसे वेस्टर्न इंटीरियर सीवे कहा जाता है। यह समुंदर नॉर्थ अमेरिका को दो हिस्सों में बांटता था। पश्चिमी हिस्सा को लैरामीडिया कहा जाता है और पूर्वी हिस्सा को अपलेशिया। टायरानोसॉरस रेक्स और टायरानोसॉरस मैक्रेंसिस दोनों ही सिर्फ लैरामीडिया में ही पाए जाते थे, अपलेशिया में नहीं। अब टीरेक्स के लगभग सभी फॉसिल्स पाए गए हैं उन जगहों से जो उस समय लैरामीडिया के उत्तरी हिस्से में थे, मगर टी मैक्रेंसिस पाया गया है दक्षिण में। और क्योंकि टी मैक्रेंसिस टीरेक्स के पूर्वज के साथ रहता था, इसीलिए ये हो सकता है कि इनके जैसे बड़े बड़े टायरानोसॉरस पहले लैरामीडिया के दक्षिण में विकसित हुए और फिर उत्तर में फैल गए। उनमें से टायरानोसॉरस के कोई पॉपुलेशन सीधे उत्तर के लैंड ब्रिज को पार करके एशिया में चले गए और टार्बोसॉरस और ज्यूचेंग टायरानस जैसे टायरानोसॉरस में विकसित हुए। यहां पर एक कंफ्यूजन दूर कर देते हैं, टायरानोसॉरस और टायरानोसॉरिन, इन दोनों टर्म्स के बीच में फर्क क्या है। ज्यादातर टायरानोसॉरिन हर उस डायनासोर को कहा जाता है जो टायरानोसॉरिनी शाखा के अंदर आते हैं। टायरानोसॉरिनी शाखा में शामिल है ज़ूचेंग टायरानस, टार्बोसॉरस और आखिर में टायरानोसॉरस के दो प्रजाति। तो इन सारे डायनासोर्स को हम टायरानोसॉरिन्स कह सकते हैं, मगर टायरानोसॉरस सिर्फ इस पूरे शाखा के सिर्फ दो ही डायनासोर्स को कह सकते हैं, टायरानोसॉरस रेक्स और टायरानोसॉरस मैक्रेंसिस को।
टायरानोसॉरिन्स का एवोल्यूशन कहाँ पे हुआ था ये बड़े चर्चा का विषय है, क्योंकि नॉर्थ अमेरिका में टीरेक्स जैसे टायरानोसॉरिन्स के साथ साथ एशिया में भी टार्बोसॉरस और जूचेंग टायरानस जैसे टायरानोसॉरिन्स के फॉसिल्स मिले हैं। अब टार्बोसॉरस और जूचेंग टायरानस दोनों के फॉसिल्स ही टीरेक्स के फॉसिल्स से ज़्यादा प्राचीन है। इसीलिए कुछ पेलियोन्टोलॉजिस्ट जैसे स्टीव ब्रुसाटे का मानना था कि शायद टायरानोसॉरिन्स का विकास पहले एशिया में हुआ था और फिर उत्तर में लैंड ब्रिज से वो नॉर्थ अमेरिका में फैल गए। मगर अब टी मैक्रेंसिस के फॉसिल्स भी टीरेक्स से प्राचीन निकले, तो हो सकता है कि टायरानोसॉरिन्स का विकास पहले दक्षिण लैडामीडिया से हुआ हो, उनमें से कुछ चले गए एशिया में और कुछ रह गए नॉर्थ अमेरिका में ही, जो बाद में टीरेक्स में विकसित हुए। मगर क्योंकि जूचेंग टायरानस जैसे एशियन टायरानोसॉरिन्स का पूर्वजों का कोई खास फॉसिल्स नहीं मिले हैं, इसीलिए उनके एवोल्यूशन असल में कैसे हुआ था इसके बारे में बिल्कुल ठीक से कहना मुश्किल हो जाता है। मगर दक्षिण लैरामीडिया के इलाके में पाए गए फॉसिल्स से ये पता चलता है कि कई सारे बड़े बड़े शाकाहारी और मांसाहारी डायनासोर्स का विकास वहीं से हुआ था। अब साइज की बात करें तो सिर्फ खोपड़ी के कुछ हड्डियों से डायनासोर का ठीक ठाक साइज बताना बहुत ही मुश्किल है, मगर टीरेक्स के कुछ स्पेसिमेंस के साथ कंपेयर करके ये कहा जा सकता है कि टायरानोसॉरस मैक्रेंसिस काफ़ी बड़ा डायनासोर था, आकार में जो टीरेक्स से मिलता जुलता था, यानी कि करीब 40 फीट लंबा, 12 फीट ऊंचा और वजन में 9 से 10 टन के आसपास। इसका मतलब 5 सबसे बड़े थेरोपोड डायनासोर्स में 2 जगह टायरानोसॉरस के 2 प्रजाति ने ले रखे हैं। सबसे पहले टीरेक्स, जिसके सबसे बड़े स्पेसिमेंस 10.5 से 11 टन तक हो सकते हैं, फिर गिगनोटोसॉरस, जिसका सबसे बड़ा स्पेसिमेन 10.2 टन के आसपास हो सकता है, फिर 9 से 10 टन वजन का टी मैक्रेंसिस, उसके बाद 8.3 टन वजन का सॉरोफेगनेक्स, और पांचवें स्थान में 8.2 टन वजन के कैरकैरोडोंटोसॉरस और स्पाइनोसॉरस। मगर हर बार की तरह कुछ पेलियोन्टोलॉजिस्ट इस स्टडी को सपोर्ट नहीं करते। थॉमस कार, जो टिरानोसॉरस को लेकर काम करते हैं, उनको नहीं लगता कि ये फॉसिल किसी नए प्रजाति के टायरानोसॉरस का हो सकता है। दूसरी तरफ थॉमस हॉल्ट्स, ये भी टायरानोसॉरस को लेकर ही काम करते हैं, ये इस नए प्रजाति के सपोर्ट में ही है। सिर्फ समय ही बताएगा कि टायरानोसॉरस मैक्रेंसिस नया प्रजाति बन के ही रहेगा या पिछली बार की तरह गलत साबित होगा। मुझे पर्सनली लगता है कि पिछले वाले 3 स्पीशीज से ज़्यादा क्रेडिबिलिटी इस नए पेपर को दिया जा सकता है और शायद फाइनली हमें टायरानोसॉरस का एक नया प्रजाति मिल गया है। आपको क्या लगता है वो कमेंट्स में ज़रूर बताइए। ऐसे डायनासोर के बारे में वीडियोस और भी देखने के लिए मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट्स में अपना ओपिनियंस बताइए और सभी के साथ ज़रूर शेयर कीजिए।